और 5 साल के बाद हमारे पास में भाई, ठीक है। अब बताइए उससे क्या सवाल आप पूछेंगे, कोई सवाल मतलब क्या एजुकेशन क्या था आपके पास पहले से? तो यहाँ पे ये देखेंगे ना कि अगर अभी वो बोल रही है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो कंसस है, और जो विदाउट कंसस भी मिला है वो मेरी काम है। अगर जस्ट इसका उल्टा वो बोले क्या, अरे इस चेला को क्या दिखाना है, चले इसके उस्ताद को ही दिखाना, तो कोशिश कीजिए। ये भी तो वही अब वो जो बोले ये आप उसको समझना है, और हमेशा समझ लीजिए जैसे आप एज ए डॉक्टर बैठे हुए हैं तो आप बनिया हैं, ठीक है, आप बनिया हैं, और जो पेशेंट है वो कस्टमर है, और कस्टमर के लिए एक नियम है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यदि वो ठीक हो रहा है आपकी दवा से और वो बोल रहा है कि हम ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, तो आप इस इंफॉर्मेशन को लीजिए, हमेशा आप उस इंफॉर्मेशन को जरूर लीजिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, आप क्यों कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसका एक दिमाग ठीक हो गया, फिर बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, आप इस इंफॉर्मेशन को जरूर लीजिए। ठीक क्या होगा मतलब क्या होगा, ये तो अलग अलग से सारे लोगों में ये अलग अलग ढंग से आएगा। हो सकता है कि वो मेडिसिन फिजिकली उसको राहत दे रहा है, मेंटली नहीं दे रहा, तो पावर बढ़ाइए, इसका मतलब वो पावर डिमांड कर रहे हैं। अच्छा बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि इसमें सब बीमारी की दवाई है जी, वो कहते हैं कि इन्हें नजला खांसी का में अलग दीजिए, बालों की अलग दीजिए, स्किन की अलग दीजिए, ये क्या है? और बाल गिरेंगे तो ये खा लीजिए, और अलार्म सब चीजों में है कि नहीं मुझे अलग दीजिए। अच्छा हमने सोचा कि इतना सस्ती वजह से कह रही होगी तो रेट बढ़ा दे, फिर भी कि मुझे तीनों दवाई अलग अलग है, तो उस क्यों का समझने का प्रयास करिए ना, तो उनके पूछ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा ना, नहीं उससे क्वेश्चन कीजिए कि आखिर आप आगे समझ में आया फिर डॉक्टर दान के बारे में क्यों कहते हो? एक बंदा आपके क्वेश्चन का शायद इससे कुछ हल नहीं, एक बंदा मेरे पास है उसको बाल झड़ने का बीमारी है, ठीक है, बस बहुत ज्यादा आर्टिक्रिया उसको बहुत ज्यादा, और एक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से बहुत ज्यादा, मतलब यूं समझ लीजिए कि वो सालों बाद परेशान रहता है, तो उसको क्या मेडिसिन दे दिए, क्लासिकल मेडिसाइजिस या एस्टेटिसक्रिया क्या क्या दिए, आर्निका माउंट नहीं ठीक हुआ, बंदा वो नहीं ठीक हुआ, एक दिन आया और आपको विश्वास है दो बार लेकर आया, अब आप सोचिए दो बार वो भी कागज में और दिखाया उसको, और बोला कि इतना चीज हम कर रहे हैं, ये शैम्पू यूज कर रहे हैं, ये साबुन यूज कर रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्यों? अब देखिए मेरा दिमाग घूम गया कि दो बार लेके, एक महिला भी होगी तो दो बार लेकर नहीं आएगी, अब वो बंदा दो बार, अरे ज्यादा को मतलब कौन मतलब दिख रहा है, बोला खाने का प्रयास नेक्स्ट टाइम होने में एक थोड़ा सा मेल और फीमेल में लेते हैं तो फीमेल ज्यादा कंसर्स रहती है ना, इधर दिखते हैं इसमें, ठीक है, वो ज्यादा कंसर्स रहती है कि थोड़ा हमको दिखता है, और वो दो बार हो चुके वो मेल का था, है वो मेल था और शादी नहीं हुआ था उसका उस समय, तो वो बार दिख रहा है, आप सोचिए वो दो बार नहीं है आपका काम है, जी क्या आप अपने स्तर से भी देख रहे हैं ठीक है आपका प्रयास, इसमें उसकी फास्ट रेडियस नेस पर क्या दवाई थी डॉक्टर कैसे एप्पल वाला फास्ट रेडियस हेल्थ अबाउट
और बता रहे एक इसमें और रूब्रिक है जिसमें शायद एंजाइटी कोलाइजर भी हो मान लीजिए इंपेशेंस में तो बहुत सारा है जैसे इंपेशेंस पेन अबाउट है अच्छा इंपेशेंस है ना अच्छा तो इंपेशेंस को कैसे समझते हैं सर बहुत ही ज्यादा बड़ी हो रहा है किसी भी छोटी सी चीज को लेकर जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूब्रिक इंपेशन कोराइजर मतलब जनरली एक बीमारी हो जाती है सीजनिंग डिजीज है तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा बड़ी इन्होंने एक नॉर्मल लेकर से ज्यादा प्रैक्टिकली आप इन पेशेंट्स को कैसे आप उनको समझाइए दो बाल को लेकर इतना ज्यादा बड़ी हो रहा है आप बाल छोड़ दीजिए सब छोड़ दीजिए सिर्फ इन पेशेंट्स को समझाइए नॉर्मल से कुछ ज्यादा जैसे कोई सपोजेड कोई भी डिजीज है छोटी सी भी होती है उसको क्या है इतना जनरली इतना ध्यान नहीं देते बट वो उसको लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो रहा है चिंतित हो रहा है ये तो डर भी होगा एंजाइटी भी हो सकता है इंपेशेंस जिसमें पेशेंस ना हो रहा है जैसे हम इसको कैसे क्लिनिक में कैसे कीजिए ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग क्लिनिक का क्लिनिक में इंपेशेंस को कैसे पटना बताइए डॉक्टर बहुत जरूरी है जल्दी कीजिए और टिकट लेना है ट्रेन आपके आने वाली है आप कैसे करते हैं जल्दी करो भाई जैसे हम टिकट काउंटर में क्या बोलते हैं थोड़ा जल्दी करो थोड़ा जल्दी कीजिए तो जल्दी कोई ये करवा रहा है बंदा ये हरी जो करवा रहा है हम सब जल्दी लिखिए थोड़ा जल्दी लिखिए ये क्या है ये हरी है और इन पेशेंस में क्या होगा वो अपना केसेस खो देगा और जल्दी क्यों नहीं कर रहा है देखिए वो सारा इंफॉर्मेशन अपने तरफ रखे तो कुछ चीज को बाहर करेगा कुछ चीज को बाहर करेगा सारा चीज को बाहर नहीं करेगा और हरी में क्या है ना हरी में कराया जाता है और इन पेशेंस में होता है ठीक है मतलब इंपेशन में स्टेप जी और वो हाल ही में वो अदर्स से कराया ऐसा मतलब ये इंप्रेशन प्रजा से दास में नहीं होता हूं अच्छा अगर सर आप इसमें आ रहे तो एक एक वर्ड का आपको समझना सही बता रहे हैं सही कह रहे हैं ठीक है दास में होगा तो आप डियर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या कंप्यूटर रेंस कर सकते हैं लेकिन उसमें भी देख सकते हैं इसमें उसका भी मतलब अलग मतलब फोन किया आप लोग हमारी माने हम बहुत परेशान हो जाते हैं 3 बजे के बाद हमको बड़ी कमजोरी फील करने लगते हैं एकदम लगता है लेट जाएं हो जाएं क्या इसमें देखिए आपका जनरल भाषण ठीक है आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पेशेंट जो आपसे बोला आप उसका टू कॉपी कभी नहीं कर सकते समझ सकते लेकिन टू कॉपी नहीं कर सकते ठीक है
लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन एकदम जनरल कि जो वो बोला हमको उसी ट्रैक में चलना है, बहुत कमजोरी लगती है। 3 बजे के बाद हमको बड़ी कमजोरी, कमजोरी हो जाती है, कमजोरी लगती है। जी हाँ ठीक है। अब आप इसको देखिए ना, क्या रूब्रिक है इसमें, क्या डिल्यूजन और इसमें नहीं दिख रहा है, एक कमी तो है यहाँ, यहाँ एक कमी है। ठीक है, एक दूसरा फिर क्या बोला कि एडप्टेशन को आपको देखना होगा कि कैसे वो बंदा एडप्ट करता है, क्या करता है। अब लेट है या फिर बेड रिमेन है, और एक है आपका क्विट वांट्स है, क्विट वांट्स को भी इक्वल एंड ट्रांसपेरेंटली डिजायर है, लॉन्जिंग इक्वल एंड ट्रांसपेरेंटली है। अब इतना के बीच से आप हो सकते हैं लेट जाते डॉक्टर को, ये लाइट हुआ डिल्यूजन ऊपर एंड लाइट ही है। अब दोनों को मिक्स करके देख लीजिए कौन सा मेडिसिन आता है, जो भी है। तो होता क्या नहीं, जो न्यू कवर से ना पहले वो क्या लेते हैं, वो बक्तव्य को पहले फिर उसी बक्तव्य को समझते फिर वो कैसे बोलता है उसको लेना सीखता है, फिर उसके बाद वो समझता है कि क्यों बोलता है। और जब पूरा चीज पूरा डेप्थ में आप चले जाएंगे तब फिर आपको पता चलेगा कि वो डीजी इसी बंदे को यहाँ तक जब आप जाना शुरू करते हैं फिर आप किसी भी मेडिसिन को बहुत लाइटली समझते एकदम डेप्थ डीजी कहाँ से हुआ आपको ये समझ में आ गया। पैथोलॉजिकल नहीं, पैथोलॉजिकली आपको ये डिजीज क्यों हुआ वैसे नहीं, कहाँ से एकदम हुआ, स्पिरिचुअल लेवल से आपको समझ चाहिए।